काजोल नारायण। मुंह में हिंदी मुसलमान, दिल में बसता तालिबान, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, कुछ बयानबाजी हो रही है, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी वजह से ये शब्द आज हमें बोलने पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी बुधवार की रात पहली बार दुनिया के सामने आए और वतन छोड़ने की वजह बताई। उन पर लग रहे कई आरोपों के बीच अफगानिस्तान छोड़ने के चौथे दिन बुधवार को देर रात अशरफ गनी पहली बार सबके सामने आए और अपना वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैं देश छोड़कर नहीं आता तो कत्लेआम हो जाता, खून खराबा होता, मैं देश में ऐसा होते नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे हटना पड़ा। उन्होंने पैसे लेकर भागने के आरोपों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। पैसे लेकर भागने के आरोपों पर भी अशरफ गनी ने सफाई दी कि आरोप बेबुनियाद है। मैं देश के पैसे लेकर नहीं आया हूं, मैं शांति से सत्ता सौंपना चाहता था। अफगानिस्तान छोड़कर मैंने अपने मुल्क के लोगों को खूनी जंग से बचाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से अफगानिस्तान से दूर हूं, सुरक्षा अधिकारियों की सलाह के बाद ही मैंने ये कदम उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों पर गनी ने कहा है कि हम तालिबान से बातचीत कर रहे थे लेकिन ये बेनतीजा रहा। उन्होंने सेना और अधिकारियों को धन्यवाद भी किया। बता दें कि अशरफ गनी 15 अगस्त को अफगानिस्तान से भाग गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया में कई तरह की बातें हो रही हैं। सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान पर टिकी हुई हैं। कोई तालिबान का खुलकर विरोध कर रहा है तो कोई दबी आवाज में तालिबान का समर्थन करता नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, तालिबान का समर्थन भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ देश कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर नहीं, दबी आवाज में। ऐसे ही कुछ मानुभव भारत में भी निकल कर सामने आए हैं जिससे आज रूबरू आपको होना होगा, जो तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से ही फूले नहीं समा रहे हैं। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि कौन है ये लोग जो भारत में रहकर भी एक आतंकवादी संगठन का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन मैं इसलिए यहां पर कह रही हूं क्योंकि भारत ने तालिबान को आतंकवादी संगठन माना है और पूरी तरह से बैन किया हुआ है। इनके बयान और इनकी सोच ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इनके इरादे क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मोहम्मद सज्जाद नुमानी की। ये साहब तालिबानी आतंकवादी संगठन के समर्थन में बयान देने की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। इनके बयान के चलते बुधवार को भाजपाइयों ने इनका जमकर विरोध भी किया और आक्रोशित भाजपाइयों ने तीसरी बाजार में सज्जाद नुमानी का पुतला भी दहन किया। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तालिबान के समर्थकों का पुतला फूंका जाए या उनके विरोध में नारे लगाए जाए। हमें इससे डर लगना चाहिए, ऐसी मानसिकता से हमें सोचना चाहिए कि कौन है लोग जो हमारे बीच रह रहे हैं और तालिबानियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, सबसे पहले न्यूज पर इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। तो यहां पर देखा जाए तो इस मुद्दे पर लगातार जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश करते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मुद्दा ये है तो वो तुरंत फोन काट देते हैं। बात हम कर रहे थे उन तालिबानी समर्थकों की जो भारत में भी कहीं ना कहीं मौजूद है, दबी आवाज में या खुली आवाज में उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान जिसने एक पूरे देश को बंदूक की नोक पर अपना गुलाम बना लिया 25 साल बाद, तालिबान जो अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए दुनिया भर में बदनाम है, ऐसे आतंकी संगठन का हमारे देश में रहने वाले लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, आखिर क्यों? सबसे पहले तो आपको बयान दिखाते हैं जो सद्दाम नुमानी ने दिया है और वो सुनाते भी हैं। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को, आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंजर पूरी दुनिया ने
देख लिया। क्या आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया? जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया, आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। मजहबी हवाले से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई, और अगले ही दिन यानी आज के दिन बाज़ार भी खुल गए, बच्चियां स्कूल जाती हुई नज़र आ रही हैं। किसी किस्म का फ़िरक़ेवाराना या मसलकी कोई तशद्दुद कोई इख्तिलाफ़ नहीं हुआ। मैं अफ़गानिस्तान के उलमा को भी और सुन्नी मुसलमानों की क़यादत को भी और शिया भाइयों की क़यादत को भी, शुमाली अफ़गानिस्तान और हज़ारा के ज़ुअमा और क़ायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। किस तरह से ये सुन्नी शिया कर रहे हैं, हिंदी मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुजाहिद दीन की बात कर रहे हैं, और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज अफगानिस्तान की सड़कों पर जो मासूम बच्चियां हैं वो पढ़ती हुई और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं इन दो महीने की, तो ऐसी कोई तस्वीर हमें नजर नहीं आई है बिल्कुल जहां पर महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हों, या मासूम बच्चियां पढ़ने के लिए जा रही हों, या फिर खुलेआम जो वहां की आवाम है, जो वहां के बेकसूर लोग हैं वो घूम रहे हो, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो माननीय हैं सद्दाम नुमानी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं, तालिबानी जो हैं वो बदल चुके हैं। पता नहीं इन्हें कहां से कौन सी जानकारी मिली है, और ये शायद सीधे कांटेक्ट में तालिबानी के होंगे, इसी वजह से ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि वहां पर तालिबानी जो है उनका चेहरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ ये कहती हुई नजर आ रही है कि तालिबान जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। जो तालिबान सिर्फ और सिर्फ बंकरों में रहा है, रेगिस्तान में रहा है, उन्हें क्या पता कि किस सदी में दुनिया कहां पहुंच गई है, महिलाएं क्या कर रही हैं। हर देश की महिला फाइटर जेट तक उड़ाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये साहब कह रहे हैं कि तालिबानी जो हैं वो बदल रहे हैं, तालिबानियों की तस्वीर तासीर बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अभी तालिबानियों की नजर आ रही हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी नहीं हैं। हाथों में बंदूक लेकर, बड़े बड़े हथियार लेकर, लोगों को डराकर गाड़ियों में इकट्ठा भर जाते हैं और फिर सड़कों पर कोहराम मचाते हुए नजर आते हैं, कत्लेआम करते हुए नजर आते हैं। खुद अशरफ गनी ये कहते हुए नजर आए हैं, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक वीडियो जारी किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं भागा नहीं हूं, मैं देश के पैसे लेकर नहीं भागा हूं, मैं इसलिए वहां से गया हूं क्योंकि अगर मैं वहां से नहीं जाता, सत्ता उनके हाथों में नहीं सौंपता शांतिपूर्ण तरीके से, तो वहां पर कत्लेआम हो जाता। जब इतने सालों से वहां पर रहने वाले लोग ये बातें कह रहे हैं, तो फिर ये जनाब क्यों बीच में इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है भारत में रहकर। देखिए, भारत में अगर तमाम लोगों की बात की जाए तो हिंदू मुसलमान आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं, लेकिन ये जनाब की जो बयान है वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि ये मसला महज एक व्यक्ति या विचार तक सीमित नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐसी एक और शख्स है संभल से, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। इन्होंने तालिबानी लड़ाकों की तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही कर दी है। तो सुनिए इनका क्या कुछ कहना है और ये क्या कह रहे हैं, ये इस पर गौर करिएगा। पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, वो उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि वो सबका सही लोगों का सही तरीके से देखेंगे, न्याय करेंगे सबके साथ। किस तरह देखते हैं आप तालिबान? हम तो देखते हैं कि हमारा देश
जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा है, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे दो दिन से कि कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, वहाँ तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते। तो सुना आपने, सांसद हैं सपा से शफीकुर रहमान बर्क, इनके जो बोल हैं उन पर गौर आपने किया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने भारत पर जब ब्रिटिश का शासन था, जब जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राण गवा दिए, उनसे तुलना तालिबानी लड़ाकों की ये कर रहे हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इनकी तुलना क्या हो सकती है। वो तालिबानी लड़ाके जो दूसरों का खून बहाते हैं, वो तालिबानी लड़ाके जो फिर जो जुल्म करते हैं, औरतों पर कोड़े बरसाते हैं, पत्थर मारते हैं, अगर औरत पर्दे में ना रहे तो फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, वो तालिबानी लड़ाके, उनकी तुलना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से की जा रही है। वाकई ये कहना सच में बहुत अजीब लग रहा है कि मतलब ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, भारत में रहकर आप दिल में तालिबान को बसाए हुए हैं और मुँह से आपके शब्द हिंदी मुसलमान के निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों शफीकुर रहमान बर्क जो कि एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उम्र भी उनकी बहुत ज़्यादा है, तब आप ऐसे बयान दे रहे हैं। आपसे क्या, आपके जो लोग हैं, आपके जो जनता है, वो आपसे क्या सीखेगी। हालांकि देखा जाए तो ये तुलना करना उनको काफ़ी महंगा भी पड़ गया है, उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आप भारत में रहते हैं और आप भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबानी लड़ाकों से कर रहे हैं, यानी इससे साफ है कि आप रहे तो हिंदुस्तान में रहे हैं लेकिन आपके दिल में तालिबान बसता है। बात कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी, वैसे ही तालिबान अपने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। किस देश की बात कर रहे हैं आप और किस तालिबान की बात कर रहे हैं आप? क्या अफगानिस्तान तालिबानियों का रहा है हमेशा से? नहीं, अगर आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबानी हमेशा से ही कब्जा करना चाहते थे, अफगानिस्तान पर अपना राज लाना चाहते थे और जो शरिया कानून है उसको और ज़्यादा कट्टरपंथी के साथ वहाँ पर लागू कराने की कोशिश कर रहे थे। 25 साल पहले ऐसी ही तस्वीर हमने देखी, कत्लेआम हुआ, हज़ारों लोगों की जान चली गई, हजारों औरतें जो हैं वो बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, लेकिन वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई दे रही हैं। ऐसे में तुलना करना बेहद शर्मनाक नजर आता है। और जब आप एक ऐसे प्रदेश में सांसद हैं जहां पर अब 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपका ये बयान बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन शायद उनको ये मालूम हो गया था, इसी वजह से वो बाद में इस पर एक, अगर कहूँ तो, लेयर करते हुए भी नजर आ रहे थे। सांसद जी को तुलना करना महंगा पड़ गया अपने बयान की वजह से। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ राजद्रोह समेत कई धाराओं में संभल कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर दी है। ये कार्रवाई बीजेपी नेता राजेश सिंघल की तहरीर के आधार पर की गई। बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने संभल कोतवाली में दी तहरीर में बताया है कि सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे तालिबानी लड़ाकों से कर दी है और इसी तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। मामले में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया है कि मंगलवार की देर रात को सांसद शफीकुर रहमान बर्क और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि तालिबानी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी। अरे, उन्होंने तो अपनी जान की परवाह नहीं की और देश को आजाद कराया, और आप तो उन तालिबानी लड़ाकों की बात कर रहे हैं जो दूसरों का खून बहा रहे हैं। इस दौरान सांसद ने कहा कि जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब तालिबान अपने देश को आजाद कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों को भी अपने देश में नहीं बसने दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। वहीं SP चक्रेश मिश्र ने कहा है कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है और इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते ही हैं।
फिलहाल मामले में सांसद समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये पूरा मामला था, किस तरह से भारत में भी कुछ लोग पूरी तरह से तालिबान को बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तालिबान के खिलाफ तमाम पोस्ट लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बयानबाजी से ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि उनके दिलों में अभी भी तालिबान बसता है। तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें तो वो उनके दिलों में अब भी बसा हुआ है। और ऐसे ही शख्स हैं शफीकुर रहमान बर्क और इससे पहले सद्दाम नुमानी, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं। तो ये दो, अगर इन्हें मैं गणमान्य लोग कहूँ तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन्होंने बातें ऐसी करी हैं तो इस की उपाधि उन्हें मिलनी ही चाहिए। तो ये चीज़ें भारत में हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तो लगातार तालिबान का समर्थन करता ही रहा है हमेशा से, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। वाकई सोचने पर मजबूर हम हो रहे हैं कि वो तालिबान जहां पर अब भी भारी संख्या में भारतीय जो हैं फंसे हुए हैं, भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वहां से भारतीयों को लाया जाए, क्योंकि तालिबानियों का भरोसा नहीं है कब वो किस घटना को अंजाम दे दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम वीडियोज़ तमाम फोटोज़ तो आपके सामने हैं, आप देखते रहते हैं। जब भी कोई घटना हो जाती है तो हम उदाहरण के तौर पर यही कहते हैं ना कि तालिबानी सजा दी गई। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, न्यूज पर इंडिया में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अश्विनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है जी। अश्विनी जी, मुद्दा यह है कि अभी भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में तालिबान बसा हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ चुनिंदा चेहरे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं सद्दाम नुमानी, उनका हमने बयान सुना है। इसके बाद सपा सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, ये कहते हैं कि तालिबानी जो लड़ाके हैं वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना की गई है। देखिए, ये बड़े ही दुख का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर कहता है इन लोगों के लिए कि जिसको हिंदुस्तान में डर लगता है या उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, तो लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान में रहते हुए ये सपा के सांसद और जो एक जो मुनव्वर राणा ने भी आज कुछ कहा है और पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, इसकी बहुत ही निंदा की जानी चाहिए। हिंदुस्तान में रहने के बाद भी ये तालिबानियों के हक में बोल रहे हैं, तो ये लोग, ये देश देख रहा है इनको, ये हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। और यही वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। इन लोगों को हिंदुस्तान में रहकर अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको मिली हुई है, उसका ये गलत फायदा उठाते हैं। अगर ये दूसरे देश में होते तो इनके खिलाफ बहुत भारी कार्रवाई हुई होती। आज हिंदुस्तान ही है जो हम सब धर्म संभाव रखते हुए इसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है अश्विनी जी, क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? आज तालिबान की निंदा तमाम देश कर रहे हैं, क्योंकि तालिबानी एक आतंकी संगठन है। कई देश ऐसा कर चुके हैं, उसमें भारत भी है। भारत ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है और ये कहा गया है कि तालिबानी जो एक आतंकी संगठन है। ऐसे में आप तालिबानियों की जो तुलना है वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुजाहिदीनों की आप यहाँ पर पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आखिर इनको क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी कर लेंगे फिर इस पर एक क्लियरिंग कर देंगे तो बच जाएंगे? ये देखिए, ये सच्ची लोकप्रियता पाने के लिए लोग करते हैं और ये देशद्रोह का काम है। ये देश के खिलाफ ये काम करते हैं। देश इस समय, देश की जनता देख रही है कि इस समय क्या कर रहे हैं ये लोग, जबकि सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, हम उसको मान्यता नहीं देंगे। अभी हिंदुस्तान लगा हुआ है कि किस तरीके से हम अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करके ले आए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार अपनी व्यवस्था में लगी हुई है। लेकिन यही देशद्रोही लोग जो समय पढ़ते पढ़ते जगह जैसे ही इनको मिलता है, ये एक अपना सर उठाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। अश्विनी जी, कहीं ये वो लोग तो नहीं है जो
रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन मन में इनके तालिबान बसता ही है, और साथ ही साथ शरिया कानून को ये मानते हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में इनकी आवाज दबकर रह जाती है। आज देखिए, आज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लोग पाठ पढ़ाते हैं कि ये शरिया कानून लागू होना चाहिए और हमारा ये होना चाहिए, लेकिन आज वही देश, मुस्लिम देश अफगानिस्तान, वहाँ आतंकवादी जो तालिबानी है, वो हमला करने वाले मुस्लिम, और जो वहां से भाग रहे हैं वो भी वही है, और ये उनकी वकालत करने वाले भी वही हैं। लेकिन हिंदुस्तान उसके बावजूद भी इस तरीके से सर्वधर्म संभाव की बात करता है, किसी के उसमें नहीं जा रहा, बहकावे में नहीं आ रही है हिंदुस्तान की जनता। ये जो दो चार जो कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं, ये लोगों के बयान से कुछ होने वाला नहीं है, जनता इनको देख रही है, भारत सरकार अपना काम कर रही है। अश्विनी शाही जी, लेकिन ऐसे बयानों से आपसी सौहार्द जो है वो तो खराब कहीं ना कहीं हो जाता है। जी क्या कह रही, एक बार दोहरा। अश्विनी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे बयानों से आपसी सौहार्द खराब होता है, साथ ही साथ शांति भी कहीं ना कहीं भंग हो जाती है। एकदम आपका बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए ही ये लोग पैदा हुए हैं देश में, और हिंदुस्तान को तुरंत आरोप कहाँ लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, इससे कौन सा जो है सौहार्द देश में बढ़ रहा है? तालिबानियों के समर्थन करने से अगर वहां हो रहा है, आतंकवादियों का समर्थन ये लोग कर रहे हैं, तब तक ये लोग पाकिस्तानियों का समर्थन करते थे, और देश में सेना का हिसाब ये लोग मांगते हैं कि बालाकोट पर सेना ने हमला नहीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, ये लोग उसका हिसाब मांगते हैं। देखिए, अब हर किसी को एक एक को जाकर तो प्रूफ नहीं देना होगा ना कि बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी। जी अश्विनी जी, हर किसी को तो प्रूफ नहीं देना होगा, एक एक को जाकर, 130 करोड़ की आबादी है, सबको तो हम वीडियो नहीं दे सकते जाके कि आप ये वीडियो देखिए, ये स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था या नहीं दिया था भारतीय वायुसेना ने। एकदम हम नहीं देंगे, और हमारी सेना बहुत मजबूत है। और दूसरी चीज ये है कि हमने जब बालाकोट में स्ट्राइक किया जी, तो हिंदुस्तान के लोगों को दर्द हुआ कि वहां कौए मरे थे। 8 दिन तक वहां एम्बुलेंस कौओं की लाश नहीं उठाती रही। वहाँ के सांसद जो है सदन में नहीं बोले कि वहाँ बोला लोगों ने कि हमारे इतने लोग मारे गए हैं, वहां पर हुआ, लेकिन वहां हो रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन गाते दूसरे जगह का है, इन लोगों को मैं कहता हूँ कि इन लोगों को तालिबान चले जाना चाहिए। और फिर कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है, इनको डर लगता है हिंदुस्तान में रहने से, लेकिन तालिबान की बात करने में डर नहीं लगता है इनको। अश्विनी शाही जी, एक और सवाल है मेरा यहाँ पर। सद्दाम नुमानी जी हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, उनका ये कहना है कि तालिबानी वहाँ आए हैं और एक बार फिर से तालिबानी जो हैं अपनी छवि अच्छी कर रहे हैं, वो बदल कर आए हैं। 21वीं सदी में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही तालिबानी लड़ाके हो गए हैं। बच्चियां वहाँ स्कूल जा रही हैं, औरतों के लिए अब नौकरी वो कर सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। क्या ऐसी कोई तस्वीर आपने देखी? क्योंकि हमें तो ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आई है। अरे अब ये देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो बोल रहे हैं, जो भी उसके नुमाइंदे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन कल की घटना, बुर्का नहीं पहनने पर एक औरत को गोली मार दी गई। बिल्कुल, वहां के जितने ब्यूटी पार्लर और सैलून थे उन पर तत्कालिक होती जा रही है। तो जो लोग तस्वीरों में औरतों को नहीं पसंद करते हैं, और कौन कह रहा है, मैंने आज आप ही लोगों के माध्यम से सुना है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार उलेमा जाने, हम लोग उसको उसकी मजम्मत करते हैं, वो बोल रहे हैं उलेमा को अगर चाहिए तो दे, और शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है वहां महिलाओं की। तो क्या इस तरीके से, वो तालिबानी हुक्मरान है, वो आतंकवादी है, वो महिलाओं की कहीं भी न सुरक्षा है न सम्मान है। बिल्कुल, और ऐसी तस्वीरें अश्विनी जी नजर भी आ रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बयानबाजी हिंदुस्तान में लगातार देखी जा रही है, और जैसा कि अभी अश्विनी शाही भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन इन्हें हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है, और ये आज की बात नहीं है, सिर्फ तालिबान का मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। जब भी कोई घटना होती है तो यही कहा जाता है। अब ऐसी एक और अदाकारा है जो अपने को एक्टिविस्ट बताती है, उन्होंने तो तालिबान के समर्थन की
सारी हदें पार करते हुए हिंदू आतंकवादी शब्द का ही आविष्कार कर दिया है। इनका कहना है कि भारत के लोगों को तालिबान पर बात करने से पहले हिंदू आतंकवाद पर भी बात करनी चाहिए। ऐसे में स्वरा भास्कर से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कब उन्होंने देश में किसी हिंदू संगठन को ग्रेनेड लेकर घूमते हुए देखा है या AK-47 लेकर घूमते हुए देखा है। क्या उन्होंने किसी हिंदू संगठन को ऐसा करते हुए देखा है? क्या उन्होंने किसी हिंदू संगठन को बीच बाजार किसी का सर कलम करते हुए देखा है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन स्वरा भास्कर ये कह रही है। स्वरा भास्कर जो हमेशा विवादों में बनी रहती हैं, एक बार फिर से वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल होती हुई नजर आ रही है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। कहीं ना कहीं ऐसे देश की शांति भी भंग होती है, आपसी सौहार्द भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से छलनी होता हुआ नजर आता है। ये वो ट्वीट है जो स्वरा भास्कर ने किया है। आप देखिए, हिंदू आतंकवाद की ये बात कर रही हैं। देखिए, अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है या राज्य नहीं है जहां पर कोई AK-47 लेकर या हथियार लेकर सरेआम सड़कों पर घूम सके। भारत का कानून इस बात की आज़ादी नहीं देता। आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो आपकी पूरी तरह से चेकिंग होती है। आप एक चाकू लेकर भी नहीं सड़कों पर निकल सकते, लेकिन तालिबान में लड़ाके जो हैं वो AK-47 लेकर, तोप लेकर, बंकर लेकर निकलते हुए नजर आते हैं। और स्वरा भास्कर कहती हैं कि हिंदू आतंकवाद भी कहीं ना कहीं भारत में है, इसका भी इस पर बात करनी चाहिए। इस पर क्या बात होगी ये तो स्वरा भास्कर ही जाने। तो ये थी बात उन लोगों की जिनके दिलों में तालिबान बसता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके लिए देश सर्वप्रथम है, उसके बाद सारी चीजें हैं। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।